कैन एस्ट्रोलॉजी चेंज कर्मा? कई लोग कर्म चेंज करना चाहते हैं ना कि देखिए हम पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी बोले देखिए आपकी 7.5 चल रही है शनि की, आप जो है लोहे की रिंग पहन लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको, आपका ना मून खराब है, चंद्रमा खराब है, आप जो है मोती पहन लीजिए, आपका गुरु चंडाल योग चल रहा है, आप जो पुखराज पहन लीजिए, करते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी से कर्म चेंज होता है? नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी से कर्मों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से कर्मों को चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं चेंज कर सकते। जो पंडित जी खुद 500 और 1000 रुपए लेकर के अपनी जन्मपत्री निकाल रहे हैं, अगर वो कर्मा चेंज कर सकता, पहले खुद का कर्मा चेंज करता ना, कि जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं दुनिया में सब करोड़पति होते, कहते सबने मैंने कर्म बदल लिया जी, अंगूठियां पहन करके तेल जल वल चढ़ा चढ़ू करके सबके सब करोड़पति। एक एस्ट्रोलॉजर दिखाओ जो करोड़पति हो, कोई भी नहीं। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजर जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि हमारे चार्ट को पढ़ सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता। जैसे पीडीएफ फाइल होती ना, पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं लेकिन पीडीएफ फाइल को चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें हम कर्मों को पढ़ सकते हैं लेकिन कर्मों को चेंज नहीं कर सकते। जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध तो फेस करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ लोग जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजी को सोल्यूशन करते हैं, उसकी वजह से पता क्या होता है, हो सकता है एट द मैक्स वो कर्म आप पोस्टपोन हो जाए, लेकिन जो चीज पोस्टपोन हुई है वो वापस भी आएगी, और जो चीज वापस आती है ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आती है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को सोल्यूशन में पढ़ना नहीं चाहिए, जो प्रारब्ध है उनको भोगना चाहिए, बल्कि प्रभु से शक्ति मांगनी चाहिए कि प्रभु शक्ति दीजिए कि जो मेरा प्रारब्ध है इसको झेल जाऊं, और किस तरह प्रारब्ध का इस्तेमाल करूं कि आपके और नजदीक आऊं, ये इसका रियल पर्पस है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी से कर्म चेंज नहीं होते। एक समय मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था, मैं बता रहा एस्ट्रोलॉजी से कर्म चेंज नहीं होते। एक एस्ट्रोलॉजर माता जी बैठी हुई थी, वो खड़ी हो गई, वो कहते एक्सक्यूज मी यू आर रॉन्ग, हम एस्ट्रोलॉजर्स किस्मत बदलते हैं लोगों की, लोग मेरे पास आए मैंने लोगों की किस्मत बदल ली, आप कैसे कह सकते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर किस्मत नहीं बदलते। मैं कहा ठीक है ओके, आप किस्मत बदल सकती हैं आप? कहते यस आई कैन। मैं कहा ठीक है, मेरी किस्मत में ना कैटरीना कैफ एज गर्लफ्रेंड नहीं लिखी और एक रॉल्स रॉयस गाड़ी नहीं लिखी, आप मुझको वो दिला दो अभी, जो मेरे कर्मों में नहीं आप दे सकते हो ना, यू कैन चेंज माई कर्मा, तो मुझको कैटरीना कैफ दे दो, मैं उससे शादी कर लूंगा अभी और रॉयल्स रॉयस में उसके साथ में घूमूंगा, पर दोनों मेरी किस्मत में नहीं है, नहीं है, अब मेरी किस्मत चेंज कर दो। व्हाट नॉनसेंस, जा रही हूं मैं यहां से, चले गए। लेकिन उस सेशन में एक और एस्ट्रोलॉजर बैठे थे जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे और वो करीब 40-45 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया। और फिर वो आए, कहते देखिए अभी जो प्रभु जी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी से कर्मा चेंज नहीं होते, मैं बता रहा हूँ मैं 40 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मैंने पराशर की भी मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मैंने अगस्त ऋषि की भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सब पढ़ी है। आई एम टेलिंग यू एस्ट्रोलॉजी से हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, हमें अपने प्रारब्ध भोगने होते हैं। दैट लेडी वॉज ईगोइस्टिक एंड दैट्स व्हाई शी वाज सेइंग हम बदलते हैं ना, पर ईगो है और कुछ नहीं। सो विद एस्ट्रोलॉजी वी कैन रीड कर्मा बट वी कैन नॉट चेंज कर्मा, वी कैन नॉट, नहीं बोल सकते हम।